हेलो जी, दिस इज राज राम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल विथ राज राव। इसी के साथ हो गई है नए दिन की नए ब्लॉग की शुरुआत, और आज हम लोग जा रहे हैं ऋषिवन, जो हमारी नियर बाय प्लेसेस में हम लोग कवर करेंगे। तो अभी मैं, मम्मी, मिट्टू, जीलू और शाबिया जा रहे हैं। मिट्टू तो है ही नहीं, मैं, मम्मी, जीलू और शाबिया जा रहे हैं। तो अभी चलते हैं ऋषिवन। इधर से जा रहे हैं हम लोग, तो अराउंड 45 मिनट्स लगेगी। और यहाँ पर टेम्परेचर देखो, तगड़ा तगड़ी गर्मी है एकदम आज। लेकिन कोई ना, मज़ा आ रहा है। शाबिया आई है तो उसको घुमाते हैं ऋषिवन। तो जी, यहाँ पे 20 रुपये चार्ज है पार्किंग का, और हम लोग ले रहे हैं अभी एंट्री। यहाँ पे पार्किंग अवेलेबल है, काफ़ी बड़ा पार्किंग है यहाँ पे, तो गाड़ी तो धूप में नहीं रहेगी, अच्छे से पार्क हो जाती है यहाँ पे। अभी देखो बज रहे 2:26 और हम लोग ले रहे हैं एंट्री। तो जी, यहाँ पे है पर हेड टिकट 170 रुपीज़, और प्री वेडिंग फ़ोटोशूट के चार्जर 7,000 रुपीज़। तो हम चार लोग आए हुए हैं तो 680 रुपीज़ हुए। तो जी, ये है यहाँ की एंट्री। तो जी, यहाँ पे स्कूल आई हुई है पूरी की पूरी। यहाँ पे है पूरा मैप, आप देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग। यहाँ पे वैली ऑफ एडवेंचर, और देख लो यहाँ पे द मीरा करके होटल है, और दूसरी सारी चीजें हैं यहाँ पे। यहाँ पे है अशोक स्तंभ। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे हो रही है बोटिंग। बोटिंग में भी काफ़ी बड़ा पॉन्ड बना रखा है यहाँ पे। वेलकम टू ऑक्सीजन पार्क, ये पूरा ऑक्सीजन पार्क बना रखा है इन्होंने, और यहाँ पे सब पिकनिक मना रहे हैं नीचे बैठ के मस्त। और काफ़ी सही बना रखा है, कलरफुल बोट्स हैं, फोटोज़ वोटोज़ भी काफ़ी अच्छी आएगी यहाँ पे। और यहाँ पे जीप लाइन देखो, काफ़ी मज़ेदार है, कोई करने को रेडी नहीं हमारे ग्रुप में। इन्हीं ऋषि की वजह से इस ऋषि वन का नाम पड़ा है शायद, क्योंकि ये ऋषि वाला ट्री जो काफ़ी सही लग रहा है और काफ़ी डेकोरेटिव भी है। यह है वृक्ष मंदिर। बच्चों को वेट करता हुआ देख सकते हो, क्योंकि यहाँ से जो आती है वो ट्रेन, टॉय ट्रेन और सफारी, वो यहीं से पिक करती है। यहाँ पे देखो साइकिलिंग कर रहा है बच्चा, और उसकी साइकिल अटक गई है तो ये नीचे से हेल्प कर रहा है उसको। हम सोच रहे थे कि ये रेलिंग क्यों लगी हुई है, लेकिन यहाँ पे ट्रेन चलती है और काफ़ी सही है, रॉकेट जैसा बनाया हुआ है ये देखो। तो ये भी एक एडवेंचर का पार्ट है। अभी हम लोग जा रहे हैं लाफिंग बुद्धा के लिए, और यहाँ पे बने हुए लाफिंग बुद्धा। यहाँ पे देखो लाफिंग बुद्धा। यहाँ पे अगर आपको डायनासोर देखना हो तो भी मिल जाएगा, साबरमती नदी के किनारे यहाँ पे आपको डायनासोर मिल सकता है। यहाँ पे अंडे हैं बड़े बड़े, और यहाँ से डायनासोर निकला है, उसको जो भी सकते हो। ओ तेरी, गर्म है बहुत, बहुत तेरी। नहीं नहीं कुछ नहीं है, मजाक कर रहा हूँ, काफ़ी सही बना हुआ है। और ऐसे ही अंडे यहाँ पे भी बने हुए हैं। तो जी, हम लोग कर रहे हैं ट्रैक, यहाँ पे ट्रैकिंग भी कर सकते हो आप। देखो बारी बारी सब जाएंगे,
को कपाट मारे। तो जी यहाँ पे मीरा होटल भी बनी हुई है। तो जी यहाँ पे मेरे पीछे देख सकते हो आप, मस्त फोटोशूट के लिए एक सेल्फी पॉइंट बना हुआ है, जहाँ पे वारसो भी और विरासत भी यहाँ बना हुआ है, और यहाँ पे पुराना एक घर बना हुआ है। यहाँ पे आने का मुझे लगता है बेस्ट सीज़न हो सकता है मॉनसून या फिर विंटर्स पक्का वाला। अभी जनवरी एंड हो चुका है तो आप देखिए यहाँ पे तगड़ी गर्मी है। यहाँ पे बना हुआ है 6D थिएटर और DJ, तो देखो मस्त नाच रहे हैं लोग यहाँ पे। यहाँ पे बना हुआ है पंखी घर और काफ़ी सारे अंदर बर्ड्स है। तो यहाँ पे है शेरडी रस हाइजीन नेचुरल जूस और हमने 2 ग्लास ऑर्डर किया है। अभी देख सकते हो आप कैंटीन में बना हुआ है, जहाँ पे मिल जाएगा समोसा, चाट, दही समोसा, दही वड़ा, पफ दावेलियन वड़ा, और यहाँ पे बना हुआ है पॉपकॉर्न और सोडा शॉप। तो जी अभी हमने लिया है पॉपकॉर्न। यहाँ पे एक वाटर पार्क भी है, तो अगर आप फैमिली के साथ आते हो तो पूरा दिन यहाँ पे एंजॉय भी कर सकते हो वाटर पार्क में, ब्लू लगून द वाटर पार्क। जी अगर आप लोगों को ताजमहल देखना हो तो भी यहाँ पे दिख जाएगा, यहाँ मेरे पीछे आप देख सकते हो ताजमहल। यहाँ पे देखो ताजमहल बना हुआ, तगड़ा ताजमहल, मतलब किसी को कॉपी करना हो तो ऐसी कॉपी करो। जो लोग आगरा नहीं जा सकते यहाँ पे आ सकते हैं। लोग जा रहे हैं वाटर शूट एंग्री बर्ड में। तुझे चल चल के कैसा लगा? थक गई। बहुत चलना है भाई यहाँ पे, हम लोग अभी तक 3,000 स्टेप चल चुके हैं, अभी 3,000 और मान लो तो 6,000 स्टेप हो जाएंगे, तो कम से कम ये 2-2.5 किलोमीटर का है, काफ़ी बड़ा है। अगर बच्चे हैं आपके साथ तो काफ़ी एडवेंचर कर सकते हैं यहाँ पे, तो कम से कम मान लो 3-3.5 किलोमीटर में आप कर सकते हो पूरा। तो जी ये है वर्ल्ड का सबसे बड़ा ओम और यहाँ पे 3100 किलो का है, ऐसा क्लेम किया हुआ है यहाँ पे कि वर्ल्ड बिगेस्ट ओम, यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ल्ड्स बिगेस्ट ओम। देखो 100% ऑक्सीजन पार्क, 100% ऑक्सीजन पार्क में तुम्हारा स्वागत छे। बनी हुई एक टॉय ट्रेन भी छोटी सी, जो आपको ये पूरा घुमाएंगे। उद्धारक शहीद वीर पार्क, जहाँ पे सुभाष चंद्र बोस, मोहनदास करमचंद गांधी और बहुत सारे और स्वतंत्रता सेनानी हैं यहाँ पे। यहाँ पे बना हुआ एनफील्ड टावर और यहाँ देखो मम्मी अपना फोटो खिंचवाते हुए पेरिस में आकर के। देखो डर्ट बाइक है, आर्चरी, बुल राइड, स्लिंग शॉट, जंपिंग, साइकिलिंग, यहाँ पे और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं अंदर। और ये देखो चिंपांजी मस्त बैठे हुए हैं। यहाँ पे मिसाइलों का और यहाँ पे फाइटर जेटों के नाम लिखे हुए हैं, तो ये भी बच्चों के लिए काफ़ी नॉलेज की बात है, यहाँ पे बच्चे खेलते खेलते काफ़ी कुछ जान पाएंगे। यहाँ पे चैलेंज है 200 किलो कौन उठा पाएगा, मैं उठाऊँगा, पकड़ मेरा फ़ोन, कैमरा पकड़ में आया। अरे दम है सिंपल भाई, दम है। अगर आप में दम है तो आप आके उठाइए और मेरे से 100 रुपए ले जाइए, मात्र 100 रुपए, फिर कोई मत आइए। तो जी यहाँ पे बना हुआ है एक स्टोर, जहाँ पे आपको टी शर्ट प्रिंटिंग वगैरह हो जाएगी और यहाँ पे कुल्लड़ कॉफी और चाय मिल जाएगी। तो यहाँ पे है वो ऋषि वन मेमोरी के नाम से, 100 रुपीज़, 100 के 5।
तो बाइक मेरी। मुझे शाबिया ने मुझे दिया एक गिफ्ट, थैंक यू शाबिया। तो जी यहाँ पे देखो हेलीकॉप्टर बना हुआ है, प्राइवेट हेलीपैड यहाँ पे, और प्राइवेट हेलीकॉप्टर हमारा यहाँ। तो जी यहाँ पे हमने काफ़ी कुछ एक्सप्लोर किया है और आपको भी एक्सप्लोर करके दिखाया है। लास्ट में हमने हेलीकॉप्टर एक्सप्लोर किया, अभी जा रहे हैं डैशिंग कार के लिए, वो अगर हो सकता है तो करेंगे, नहीं तो फिर एग्जिट ले लेंगे। तो आप लोगों को मज़ा आया कि नहीं? हिपी यहाँ पे इमू पार्क, और यहाँ पे इमू देखो 1 2 3 4 5 6 इमू हैं। हेलो पे आई लव चॉकलेट, और यहाँ पे है बहुत सारी चॉकलेट्स, देख लो आप। जी हमने आई लव चॉकलेट से अभी लिया है चॉकलेट, आई थिंक क्रिएटिंग अ न्यू चॉको कल्चर। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। आप अपने बच्चों को लेके आओगे तो उनको अलग ही आनंद आएगा, क्योंकि यहाँ पे बच्चों की बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वीकेंड पे आप लोग आ सकते हो। देखो फोटो सेशन चल रहा है, गोला डिश पॉपकॉर्न और किस्मत फास्ट फूड, सारी चीज़ें यहीं पे हैं, एकदम लास्ट में आओगे तो। अभी हम लोग निकल रहे हैं बाहर, और स्टेप्स देख लो आप, 6000 स्टेप्स हो गए। मैंने बताया था आपको कि 6000 स्टेप्स आराम से हो जाएंगे। अभी हम लोग चेकआउट कर रहे हैं यहाँ से 5:30 बजे। तो जी आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट करके बताना वीडियो में क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा। मिलते हैं ऐसे किसी बढ़िया से वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर। आई होप बहुत मज़ा आया होगा, पूरा दिन एक्सप्लोर करके दिखाया है। तो नियर बाय सीरीज़ में आप और भी बहुत सारे वीडियोज़ देख सकते हो जो हमारे घर के आसपास है, तो उसमें भी मज़ा आएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।